अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे चैनल का नाम है कुकिंग विद मैविश। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं कुकिंग दिखाऊं, कुकिंग के अलावा मैं मुख्तलिफ चीजें भी दिखा सकती हूँ, अपनी रूटीन शेयर कर सकती हूँ आपसे। अगर मुझे मार्केट का सर्वे करना पड़े तो वो भी मैं हो सकता है आपको दिखाऊं, ठीक है? और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए मुझे। तो आज के ब्लॉग में मेरा जो है मिनी बन बन रहे हैं, तो आप लोग मिनी बन जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते। ये मिनी बन जो है बहुत, मेरी जिठानी को तो इतने पसंद है कि वो मुझसे कहती है कि बार बार मैं विश बनाऊ। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। मिनी बन बनाना बता रही हूँ आपको, वो उसी स्टेप से आप फॉलो करिएगा, लेकिन परेशान मत होइएगा, ऊंच नीच छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होएगा। आराम से सुकून से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन मेजरमेंट स्पून होना बहुत जरूरी है। बेकिंग आइटम के लिए मेजरमेंट स्पून होना बहुत जरूरी है, तो इसका जरूर ख्याल रखिएगा। चलिए हम आपको मिनी बन के डो बनाना सिखाते हैं। चलिए आप हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हमें मिनी बन बनाने के लिए चाहिए 2 कप मैदा, 1 टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून बटर, 1 एग, थोड़ा सा हमें इसमें से बचा लेना। ईस्ट भी डलेगी इसमें, 1 टेबल स्पून और 1/2। बेकिंग करने के लिए हमें मेजरमेंट स्पून होना जरूरी है, इसलिए कि जब तक बेकिंग नहीं कर सकते मेजर स्पून नहीं होंगे, जब तक हम बेकिंग नहीं कर सकते। तो ये 2 कप मैदा है, अब इनके अंदर जो जो चीजें डलेंगी वो हम बताते जाएंगे आपको, ठीक है? ये 2 कप मेजर करा हुआ मैदा है, ये 1, ये आपको 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून, ठीक है? ये जो मैंने स्पून दिखाए हैं इसमें डलेगा ये, और ये 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट है, ठीक है? और हम ईस्ट डालेंगे ये मेजरमेंट स्पून से, अब हमें इसको पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना जरूरी है। अब हम 1 अंडा डालेंगे, इसमें से थोड़ा सा बचा लेंगे, अब देखें हम डो को किस तरह गूंद रहे हैं। अब हम जितना पानी हमें रिक्वायर्ड होगा उतना हम डालेंगे। जब तक हम सॉफ्ट डो नहीं गूंदेंगे, जब तक हमारे मिनी बन अच्छे नहीं बनेंगे, तो हमें इसका ख्याल रखना है कि जब हमारी डो सॉफ्ट होनी चाहिए, थोड़ा स्टिकी होना मिनी बन के लिए जरूरी है, जब तक स्टिकी नहीं होगा सॉफ्ट बन नहीं बनेंगे हमारे। अब इसके अंदर बटर रह गया है हमारा, 2 टेबल स्पून बटर है वो डलेगा, इसको हमने जब तक करते रहना है, ये स्टिकी हो रहा है, परेशान मत होइएगा, बस आप इसको होने दें, ये खुद छोड़ देगा अपनी जगह, ये स्टिकी हो रहा है। देखें लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान हो जाते हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम बेकिंग करी थी मैं भी परेशान हो जाती थी कि अब ये कैसे बनेगा, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बेकिंग करते रहते हैं ना तो खुद ब खुद एक्सपीरियंस होता रहता है, तो आप लोग भी परेशान मत होइएगा। ये देखें, अब देखें ये हमारी डो गूंद चुकी है, ये देखें ये इस तरह उसकी शक्ल आ जाएगी आप लोग, ठीक है? और फिर हम ऐसे करके इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ऊपर, ताकि थोड़ी पापड़ी ना जम जाए ना, तो ऑयल लगाना पड़ता है हमें। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे प्लेट ढक के, ठीक है? ये राइस होगा, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। जब तक हमारा डो राइस हो रहा है, जब तक हम इसका स्टफ रेडी कर लेते हैं। जो स्टफ में डलेगा वो चिकन है, तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन है जिसके हमने रेशे कर लिए हैं, ठीक है? और 1 प्याज है, ठीक है? इसको चॉप कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला है,
आधा कप या 1 कप जितना रिक्वायर्ड होगा उतना इसमें दूध जाएगा, 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू हम करते टू हैं। टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ठीक है, ये थोड़ा गर्म हो जाए तो हम उसके 2 टेबल स्पून ऑयल के बाद हम चॉप करी हुई प्याज डालेंगे, ये 1 अदद प्याज। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, पिंक हो जाएगी। इसके बाद हम चिकन डालेंगे, पहले प्याज को पिंक होने दें, फिर उसके बाद हम चिकन डालेंगे। ये पिंक होने के बाद हम इसके बाद चिकन डालेंगे। चिकन के बाद हम पहले चिकन डाल दें, टू टेबल स्पून हम टिक्का मसाला डालेंगे। टिक्का मसाले के जब आपको लगे कि कम है तो फिर आप और डाल दें। ये हमारा मिक्सर तैयार हो रहा है, हमें मिल्क डाला है, 1/2 कप मिल्क डालना है हमें सिर्फ, ठीक है। ये हमारा थोड़ा जूसी जूसी चिकन बनेगा अगर हम मिल्क डालेंगे। ये तो देखें हमारी मिनी बन की डो है वो रेडी हो चुकी है, खुशी के मारे इतना फूल गई है। अब इसको हम इसकी खुशियां तबाह कर देंगे हम। अब ये देखें हम इसको, इसकी जो राइस हो गई थी अब हम इसको ऐसे करके इसकी छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। पहले हम इसको सेट करेंगे, ये छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे इसके। थोड़ा सा मैदा भी स्प्रिंकल कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, बस हमारी छोटे छोटे पेड़े बनने चाहिए। अब हम इसको मार्बल पे रखेंगे, ठीक है, थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे मैदा हम ताकि चिपके ना, ठीक है। हम ऐसे कट करेंगे उसको, वो छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं हमें, फिर हमने इनको 20 मिनट के लिए राइस होने के लिए रखना भी होगा। तो हम थोड़ा, हाँ थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे ताकि हमें मुश्किल ना हो, लेकिन ज़्यादा मैदा मत डालिएगा इसलिए कि फिर वो हार्ड हो जाएंगे। बस ये छोटे छोटे पेड़े मैं बना दूंगी, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है। ये मैंने पिज्ज़ा पैन ले लिया है, इसके ऊपर मैंने ऑयलिंग करी, फिर बटर पेपर लगाया, फिर ऑयलिंग करी, ठीक है। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाएंगे तो ये चिपक जाएंगे, तो इस बटर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने इसके अंदर छोटे छोटे पेड़े बनाए। अब इसको हम 20 मिनट के लिए राइस होने के लिए रखेंगे, ढक के रख देंगे, फिर हम आपसे ये मिलते देखें हैं। हमारे जो हमने 20 मिनट के लिए राइस होने के लिए रखे थे वो राइस हो गए। अब इसके अंदर हम एग लगाएंगे ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर, ये देखें। यह हर एक बन पे हमें इस तरह लगाते रहना है। ये हम सिर्फ एग है जो लगा रहे हैं, सिर्फ कलर के लिए लगाते हैं, और इसके ऊपर हम व्हाइट तिल डाल देंगे। ये हमारे बन बहुत खुश खुश नजर आ रहे हैं। अब हम इसको ओवन में रखेंगे, मेरे पास OTG ओवन है, ठीक है, 180 सेंटीग्रेड पे सेट है वो, ठीक है। अब ये टाइमिंग के ऊपर होता है कि कितनी टाइमिंग बन रहता है, जितनी टाइमिंग लेगा मैं आपको बता दूंगी। ये हमने ओवन प्री हीट करा हुआ था, ठीक है, पहले से 20 मिनट के लिए। तो अब ये हम ओवन के अंदर रखने जा रहे हैं, जितनी टाइमिंग होगी बेक होगा वो आपको हम बता देंगे। तब तक के लिए हम आपसे बाद में मिलते हैं। ये देखें हमारे मिनी बन तैयार हो गए हैं, ये देखिए मेरे मिनी बन तैयार हो गए हैं। इसको मैंने 10 मिनट के लिए बटर या ऑयलिंग करके आप ढक के रख दें तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें ये मेरे सॉफ्ट हो गए मिनी बन, ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखें हमारे मिनी बन किस तरह सॉफ्ट बने हैं, ये देखें पता चल रहा है ना आपको। अब इसके अंदर हम चिकन स्टफ भरेंगे, ये देखें। अब इसके अंदर हम पहले मेयोनीज लगाएंगे, फिर हम अपना चिकन स्टफ करेंगे। जितना चाहें आप लोग डाल लें, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है जितना चाहें, बाकी आप लोग की अपनी मर्जी है कि जिस तरह स्टफ करना चाहते हैं, मेयोनीज लगाना चाहते हैं, केचप लगाना चाहते हैं, जो लगाना चाहते हैं आप लोग के अपने ऊपर डिपेंड है।
मेरे बच्चे जो खाते हैं मैं वो बना रही हूँ, आप लोग के घर में जो खाया जाता है आप लोग वो बनाइए। इसी तरह हम, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, इसी तरह हम सारे बन इसी तरह रेडी करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे बने हैं और सॉफ्ट बन बने हैं। आप लोग घर में जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे और आपके घर वालों को भी। चलिए चलते हैं, अब अगली वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।